सो गाइस, वेलकम टू जय मल्होत्रा लाइफ हैक्स। जय मल्होत्रा आपका इस आपके चैनल में फिर से स्वागत करता है। और अब हमने एक छोटा सा हैक ढूंढ लिया है कि हम अपने फोन को अब हाथ में पकड़ने की जगह हम उसको इजीली सामने रख के भी बात कर सकते हैं। अभी ट्राईपॉड नहीं क्योंकि लॉकडाउन नहीं मिला, लेकिन इसका भी एक छोटू सा हैक मिल गया है हमें, जिसके लिए मैं आप सबका यही कहना चाहता हूँ कि जिनको अभी तक ये प्रॉब्लम आ रही थी कि फोन को स्टेबल रखो, ये करो वो करो, तो अब उनका शायद ये वाला कंसर्न जरूर दूर हो जाएगा और मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी सी और स्मूथ हो जाएगी। और हाँ, मैं वीडियो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कैसे ना कैसे करके इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला सकता हूँ। सो आज हम बात करते हैं कि अमेज़न पे, मैंने आपको एक चीज़ याद हो तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि टाटा क्लिक पे सेलर का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जबकि वो इंडियन ऐप है, मैंने इसके बारे में बताया था। सो आज का वीडियो है हमारा अमेज़न के ऊपर बेस, कि अमेज़न में अपना सेलर का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अमेज़न का सेलर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जितना भी हो सकता है प्लीज़ एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर लें, या पेन या नोटबुक, अगर आपको इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालते हुए पेन पेपर ले आएं इस वीडियो को 2 सेकंड का पॉज करके। मैं ये भी नहीं कहता कि ज़्यादा पॉज करो, लेकिन ये भी नहीं कहता कि कम पॉज करो। कोशिश करो कि आप पेन और पेपर इकट्ठा कर सकें और जिसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन लिख सकें, नहीं तो आपको वीडियो बार 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 प्ले पॉज करके देखनी पड़ेगी, देन उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। सो मेरे को भी बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है आज तो ऐसे आपसे बात करते हुए, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कि अपने व्यूअर्स को मैं डायरेक्टली आज बिना किसी एंगल, हाथ का एंगल दिए या कुछ और किए, आपसे सबसे बात कर पा रहा हूँ। सो आज की वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेज़न पे सेलर के लिए रजिस्टर कैसे करें उस पर बेस्ड हैं, तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने भी खुद नोट्स बनाता हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैंने भी नोट्स बनाए हैं और वो जस्ट बिहाइंड इस कैमरे के पीछे ही रखे हैं। सो नोट्स के बिना कुछ नहीं होता, इसीलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे आपको वीडियो बनानी हो उसके लिए भी। बेसिकली कंटेंट राइटिंग कहते ही इसी को है। सो कंटेंट राइटिंग का कोर्स भी कर लेना दोस्तों, बहुत फ़ायदे में रहते हो, बहुत फ़ायदा रहता है। मैंने नहीं किया, लेकिन मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ कि कंटेंट राइटिंग का कोर्स करना चाहिए ताकि दिमाग उस अकॉर्डिंग चलने लग जाता है। सो चलिए अब इधर उधर फोकस ना इधर डाइवर्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला टॉपिक जो अपना है अमेज़न का सेलर रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं जो आपको रिक्वायर्ड होने चाहिए, जैसे कि आपका पैन कार्ड। इन केस अगर आपका कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो आपका अपना पैन कार्ड भी चल सकता है, और इन केस अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपका कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होगा। देन उसके बाद आपका GST नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें, ईमेल नंबर एंड मोबाइल नंबर, ये सब भी बहुत कंपलसरी हैं। अब बात रही बैंक अकाउंट नंबर की, तो बैंक अकाउंट नंबर अब आपका सेविंग्स हो या करंट हो, ये कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा अपना बैंक अकाउंट लिस्ट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है। सो टोटल आपको मैं बताऊं तो अमेज़न में सेलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 17 से 18 पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट सिंपल टाटा क्लिक की तरह हो जाए, लेकिन आपको 17 से 18 पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। सो अपनी वीडियो को हम शुरू करते हुए, तो सबसे पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको अपना, आपको अगर अमेज़न पे सेलर रजिस्टर कराना है तो मोबाइल ऐप के थ्रू ना करा के आप उसको नॉर्मल गूगल के थ्रू कराने का सोचिएगा। आप नॉर्मल क्रोम में जाके amazon.in लिखिएगा, देन उसमें आप जैसे amazon.in लिखते हैं देन उसमें आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। गूगल पे नॉर्मली पेज ओपन होगा, देन जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में amazon.in आपको दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तब आपको प्रोफेशनल दिखाई देगा। प्रोफेशनल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे ही कि आपको प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे आपको सेलिंग के बेनिफिट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आप वो सेलिंग के बेनिफिट्स पढ़ें कि उस पर क्या बेनिफिट है आपको अमेज़न पे एज अ सेलर बनने का, क्या नहीं है बेनिफिट आपको सेलर बनने का, वो उसमें सारे प्रॉन्स एंड क्रॉन्स आपको सब कुछ दिए होते हैं। और मोस्टली आपको मैं ये बताऊं कि कोई भी साइट या कोई भी ऐसे अपना पेज अपने आपके कॉन्स क्यों बताएगा। सो कॉन्स के लिए भी आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, आपको सारे प्रॉन्स ही प्रॉन्स वहां पे मिलेंगे आपको। देन जैसे ही आप वो बेनिफिट पढ़ लेते हैं तो आपको वहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर नाउ का। सो वहां पे आपको अपना, जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे
क्लिक करते ही आपको एक सबसे ज्यादा पहला ऑप्शन दिखता है जिसमें आप सिंपल अपना आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है जैसे कि नॉर्मली आप करते हैं, जिसमें आपका नेम चाहिए होगा, ईमेल आईडी चाहिए होगा और आपका फोन नंबर चाहिए होगा। देन इसके लिए और कुछ एफर्ट नहीं डालने, ये आप सब बहुत तेज हैं मैं जानता हूँ, विद इन 15 सेकेंड्स भी आप सब निपटा लेंगे। देन इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा लीगल बिजनेस नेम। लीगल बिजनेस नेम क्या होता है कि जब आपने जीएसटी नंबर आपने अप्लाई किया होगा तो आपने कुछ ना कुछ अपनी फर्म का नाम रखवाया होगा। अब उसको नाम को जिस आपने रखा है उसी नाम से आप अपना लीगल बिजनेस नेम चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आगे बढ़ता है देन होता है आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन तो सबको ही पता है कि ओटीपी आएगा देन सब कुछ हो जाएगा, वो हो गया आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड, इसमें तो कोई तंत्र मंत्र है ही नहीं। देन फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सेलर इन्फॉर्मेशन। अब सेलर इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो सेलर इन्फॉर्मेशन में वहां पे कुछ कैटेगरीज और आगे डिवाइड होती हैं, जिसमें होती है एक आपका स्टोर नेम। स्टोर नेम आपका सबसे बड़ी बात यूनिक होना चाहिए, ये नहीं कि आपने किसी का कॉपी कर लिया या किसी का कंटेंट, जैसे लोग बहुत चोरी कर लेते हैं वैसा नहीं। आपको सेलर इन्फॉर्मेशन में अपना स्टोर नेम है जो वो आपको बिल्कुल यूनिक रखना है। देन फिर आपकी आती है कैटेगरी। कैटेगरी आपकी क्या हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस है मेरा, तो मैं अगर वहां पे अपना कंटेंट या अपनी कैटेगरी चूज करता हूँ तो मुझे मोबाइल एंड एक्सेसरीज को चूज करता हूँ। सो उसके बाद हमें अपना पिन कोड डालना पड़ता है जहां से आपका पैकेज जो है आप वो पिकअप करवा सके। सो पिन कोड आपको वहीं का डालना होता है जहां से आपका पिकअप हो सके। देन आपको अपना बिजनेस का एड्रेस डालना होता है। जब आपने अपने स्टोर का नाम डाल रहे हैं, स्टोर का एड्रेस डाल रहे हैं या पिन कोड डाल रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि वहां से आपका पिकअप भी हो सके, नहीं तो आपको सेल्फ शिप, ये हमारा अगला पॉइंट है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट है, जिसमें अमेजन ईजी शिप और आपको सेल्फ शिप का ऑप्शन मिलता है। अमेजन ईजी शिप क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाई जेड जगह रहता हूँ, अब उस एक्स वाई जेड जगह में वहाँ पे अमेजन अपनी डिलीवरी करता भी है इजीली, फास्ट डिलीवरी भी करता है और फास्ट पिकअप भी करता है। लेकिन अगर वही बात आ गई कि अगर कोई मैं गांव में रहता हूँ या किसी रूरल एरिया में रहता हूँ जहाँ की अभी बेसिकली नॉन हायरिंग जोन बहुत जगह इसको ये कह सकते हैं, या जहाँ पे उनको ये भरोसा नहीं होता कि ये जो सेलर है ये ओरिजिनल है कि नहीं, या कुछ प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे खुद उनको अपना कोरियर सर्विस पार्टनर से बात करनी पड़ती है। सो वो आपका कोरियर पार्टनर DTDC भी हो सकता है या कोई भी बड़ा सा बड़ा नाम या छोटे से छोटा नाम भी हो सकता है। सो उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद मैनेज कर लेंगे, आप बहुत समझदार हैं, ये मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। देन उसके बाद आपको अपने GST नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको GST नंबर फिल करना होता है। देन उसके बाद आपका एक छोटा सा, ये हमारा सेवन्थ पॉइंट है, एक तरह से इसको आप ये कह सकते हो कि सेलर का इंटरव्यू हो जाएगा या सेलर का इंफॉर्मेशन। अब आप लोग ये ज़रूर घबराएंगे कि भैया सेलर का इंटरव्यू कैसा हुआ, अब सेलर का इंटरव्यू देते हुए कहीं आप लोग घबराने लग जाएं तो फिर अब उसमें क्या हो सकता है। सो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आपको उसमें घबराना नहीं है, सेलर को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन। सो सेलर इन्फॉर्मेशन या इंटरव्यू की बात आ रही थी, तो उसमें आपको अपना कैटेगरी बतानी होती है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर लाए करता है, या आपको और कैटेगरी आपको उसके अंदर लाए करता है। देन साथ साथ आपको ये बताना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट खरीदने का सोर्स है वो क्या है, कि आप वो कहाँ से परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रीसेलर हैं तो वहाँ पे आप रीसेलर लिख के भी बात को ख़त्म कर सकते हैं। इनकेस अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स ही नहीं है, आपके पास तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, और आप मेरे ख्याल से फिर तो आप करेंगे भी नहीं, आपका कोई चेला चपाटा ही ये काम करके ख़त्म कर देगा आपके लिए। देन उसके बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है एनुअल टर्नओवर की, आपका टर्नओवर कितना है। इन केस अगर आप बहुत बड़ी फिश हैं इस लाइन में तो आपका एनुअल टर्नओवर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, और नहीं भी है तो भी कहता हूँ जितना भी मिनिमम है आपका टर्नओवर वो आप करेक्टली मेंशन कीजिएगा। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये आपका है नाइन्थ पॉइंट, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप अमेजन के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर भी सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप फ्लिपकार्ट पे या टाटा क्लिक पे या कोई भी ऑनलाइन साइट पे आप कुछ और आपके प्रोडक्ट ऐसे सेम प्रोडक्ट लिस्ट हैं वहाँ पे, तो इनकेस अगर आपके प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट हैं तो आप उनको वहाँ पे क्लियरली बता सकते हैं कि हाँ जी हमारा है, कोई इशू नहीं है इस बात से भी, ये तो बस वो अपनी एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। देन इसके बाद आपको अपनी अमेजन पे लिस्टिंग करनी होती है, जिसमें आप लिस्टिंग करते हुए
सो 10वां पॉइंट था हमारा कि हमें लिस्टिंग करनी होती है। वो लिस्टिंग आपकी कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे वो भी आप सब पे बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या वहीं पे अमेजन की ही जो लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की होती है आप उसकी तरफ से करते हैं या आप अपनी कोई ओन लिस्ट क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए आपको बहुत ईजी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करो। अगर आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली आप जो सेल करना चाहते हैं वही प्रोडक्ट तो आप चूज करेंगे, आप वो कोई भी प्रोडक्ट चूज करो, देन उसके बाद आप उसको आराम से लिस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपकी सबसे बड़ी बात आती है जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी इसी वीडियो में कि सेल्फ शिप और इजी शिप। अगर आप सेल्फ शिप करवा रहे हैं वो आपका डिपेंड करता है कि आप उसमें अमेजन वाले जो होते हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ डिलीवरी चार्ज लेंगे भैया, कोई वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं आपका। सो उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सेल्फ शिप और इजी शिप में ये होता है कि वहाँ पे आप अपने जो प्रोडक्ट है आप उसको डिलीवर करने का चार्ज चूज कर रहे हैं। सब आप सभी ने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि इन केस अगर हमारे पास अमेजन की प्राइम मेंबरशिप नहीं है और हमारा ऑर्डर वैल्यू 500 रुपीज़ से कम है तो हमें कुछ ना कुछ डिलीवरी चार्जेस लग जाता है। मोस्ट मैंने तो ये भी देखा है इवन अमेजन की प्राइम मेंबरशिप है ही तब भी हमें कभी ना कभी डिलीवरी चार्जेस देना पड़ जाता है। सो वो हमारे ऊपर होता है, बेसिकली सेलर के ऊपर होता है वो कितनी डिलीवरी चार्जेस लेना चाहता है। वो 50 रुपीज़ भी ले सकता है, वो 39 रुपीज़ भी ले सकता है, वो उसकी मर्जी है। और दूसरी बात मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात बता देता हूँ कि आपको ये नहीं पता होता कि सेलर आपसे किस अकॉर्डिंग ले रहा है, कि वो पर पीस ले रहा है कि पर केजी बेसिस ले रहा है। तो जो नए सेलर्स हैं उन सभी को ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप ट्राई कीजिएगा कि पर पीसेस आप लें, क्योंकि अगर आप पर केजी बेसिस पे लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है और वो सेलर को ही बहुत नुकसान होता है। सो अब उसके आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें आपको डालनी होती है, अगला पॉइंट है हमारा जो कि 12वां पॉइंट है हमारा जिसमें आपको डालनी होती है बैंक डिटेल्स। अब आप जो इतने ट्रांजेक्शन्स करवा रहे हैं, कस्टमर ऑनलाइन पे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बैंक डिटेल्स तो आपको डालनी है ना भैया, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, अल्टीमेट तो गोल हमारा पैसा ही है, तो पैसे के बिना तो हमसे आगे बढ़ा नहीं जाएगा। सो बस बैंक डिटेल्स तो हमें डालनी ही है। देन उसके बाद हमें अपने टैक्स डिटेल्स डालनी है। टैक्स डिटेल्स में भी आपको अगर ये लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा मतलब लोचा हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है, आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपका आराम से काम हो जाएगा। देन एक चीज़ आती है प्रोडक्ट टैक्स कोड। अब ये सोचो कि प्रोडक्ट टैक्स कोड होता ही क्या है। ये प्रोडक्ट टैक्स कोड वो होता है कि जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें अपनी सरकार ने वो कर रखी है कि इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पीछे 18% या 28% तक टैक्स आता है। सो वो होता है प्रोडक्ट टैक्स कोड कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है, वो आपको खुद को चूज करना है। और आप अंडर मैं तो ये कहता हूँ कि किसी दूसरे का ऑर्डर आप बस कार्ट में डाल के देख लो, देन फाइनल जो प्राइस होता है उसमें आप टैक्स देख लो, वो आपके प्रोडक्ट से अगर मिलता जुलता है तो आपको वो देखने की जरूरत है, ज़्यादा सर्च करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। देन उसके बाद आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने पड़ते हैं। अब भैया डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने से पहले सब लोग डरेंगे ज़रूर। अब डिजिटल सिग्नेचर अपलोड क्यों करने हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने का सो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में मैं आपको बता रहा था तो वो ये है कि डिजिटल सिग्नेचर आपको अपलोड करने ज़रूरी हैं। और आप ये मत सोचना कि उसको अपलोड करके कोई नुकसान होगा आपका। जब भी आपका कोई इनवॉइस जाता है तो ऑटोमेटेड इनवॉइस आपका अमेजन ही अपने एंड से बना के भेजता है। और आप लोगों ने भी देखा होगा जब आपने कभी कुछ अमेजन से मंगाया हुआ होगा तो आपको वहाँ पे एक सेलर के सिग्नेचर भी मिलते हैं, वो उसी लिए यूज़ होता है और कोई उसका नुकसान नहीं है। और कुछ उसका आपको कोई भी मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने एक कंपलसरी हैं। देन बस हो गया आपका अमेजन सेलर अकाउंट क्रिएट। बस वहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कि लॉन्च योर बिजनेस, देन अपना अकाउंट को आप लॉन्च करो, देन यूज़ करो, प्रोडक्ट को लिस्ट करो और मौज मारो। जितना पैसा कमाना है कमाओ भाई, जितनी मर्जी मारनी है मारो भाई, आपकी मर्जी, आपका पैसा, जितना आप आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, हमें तो आप कुछ दे नहीं रहे, इवन लाइक और शेयर भी नहीं करोगे आप तो हमारे पेज को। सो अब तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पूरी दे ही दी है। आपको अगर अब भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाओ, और आगे जितना हो सकता है जो भी कोई यार दोस्त हो जिसका मन हो अमेजन में सेलर बनने का, उसको कहो कि एक बार भैया ये वीडियो ज़रूर देख ले ताकि हम भी कुछ कमा लें। हमेशा आपको ही देते रहेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन केस अगर मेरी कोई बात में कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स को भर मारें। आपको कौन रोकता है, और कोई रोक भी सकता है भला,
तो धन्यवाद, आज की वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं।